शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन को लेकर मौजूदा सरकार के नेताओं द्वारा कई तरह की बयानबाजी की गई। कुछ बीजेपी नेताओं ने इसे मिनी पाकिस्तान बता दिया तो कुछ वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने इसे शेम बाग करार दिया। आपको बता दें कि शाहीन बाग में करीब दो महीने से CAA नागरिकता संशोधन कानून और NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं द्वारा शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन के खिलाफ नाराजगी जताने के बाद अब और भी कुछ लोग हैं जिन्हें परेशानी होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 154 लोगों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इन लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। इन लोगों में पूर्व IAS अफसर और पूर्व न्यायाधीशों समेत सशस्त्र बलों के पूर्व अधिकारी शामिल हैं। इन लोगों का मानना है कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों के अभियान को झूठा और निहित स्वार्थ वाला है। देखा जाए तो इतने बड़े पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके लोगों द्वारा प्रदर्शनकारियों को लेकर इस प्रकार की बातें करना हैरान करने वाला लगता है। खास बात तो यह है कि इन 154 लोगों में से पूर्व न्यायाधीश भी शामिल हैं और कानून की समझ रखने वाले लोगों द्वारा इस प्रकार के विचार रखना समझ से परे है। पत्र लिखने वालों में विभिन्न उच्च न्यायालयों के 11 पूर्व न्यायाधीश, 24 सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और भारतीय विदेश सेवा के 11 पूर्व अफसर, भारतीय पुलिस सेवा के 16 सेवानिवृत्त अधिकारी, 18 पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शामिल हैं। इतना ही नहीं, लोगों को लगता है कि शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन से देश एकता और अखंडता को नुकसान होगा। उन्हें मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को सरकार देशद्रोही नहीं कह सकती है। पत्र में इन लोगों ने कहा कि CAA बना दिया गया है, जबकि NRC और NPR स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही चर्चा का ऐसा मुद्दा रहा है जिसे लागू किया जाना है। पत्र लिखने वाले लोगों का मानना है कि प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि सरकार की नीतियों का विरोध करने से देश की अखंडता को कैसे नुकसान पहुंचेगा। बल्कि लोकतंत्र में विरोध जाहिर करना तो आम बात है, और सरकार की नीतियों का विरोध करने में हर्ज ही क्या है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।